हेलो फ्रेंड, मैं लिंगराज पटेल किचन किंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए और एक नया रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे खिचड़ी, और खिचड़ी तो सबके घर में बनते हैं, लेकिन मैं आज आपको एकदम आसान तरीके से कैसे खिचड़ी बनाएंगे यही बताने वाला हूँ। तो फिर चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बैंगन। हमने यहाँ पे दो बैंगन का छोटा करके काट लिया है, दो आलू इसको भी काट लिया है, तीन टमाटर, थोड़ा सा गाजर, फूलगोभी, कद्दू और थोड़ा सा मूंगफली का बीज। इन सारे सब्जी को हम खिचड़ी में यूज करेंगे। और ये देखिए, ये है फ्रेश मटर चना जिसका हमने छिलका निकाल लिया है। अभी हम लेंगे एक बर्तन और उसमें लेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल, और तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गोटा जीरा, इसका ऊपर से डालेंगे दो सूखा मिर्ची और दो तेज़पत्ता। ये हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद ये देखिए, ये है दो हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक, इसको हमने कूट लिया था। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग को डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी हम इसमें एक एक करके हमारे काटा हुआ जितना भी हरी सब्जी था सबको इसमें डाल देंगे, और सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे हरा मटर। और सबको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से तेल में मिला लेंगे। अगर आप घर में प्लेन दाल और चावल का खिचड़ी बनाएंगे तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं लगता। आप एक बार ऐसे सब्जियों को डाल के खिचड़ी बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसको थोड़ी देर मिलाने के बाद अभी हम इसको ढक देते हैं। चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, अभी अच्छी तरह से हल्का हल्का फ्राई हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सूखा मसाला। पहले हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और सारे सूखा मसाले को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। अगर आप प्लेन तरीके से बिना मसाले डाले खिचड़ी बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप एक बार सूखा मसाले डाल के हरी सब्जी डाल के बनाएं, फिर देखिए खाने में कितना टेस्टी लगता है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखिए, हमने जो तीन टमाटर रखा था उसको काट लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी इसमें मिला लेंगे। टमाटर को इसमें मिलाने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक को हम एक ही बार डालना है। हमने इसमें डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। नमक को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद इसको हम कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब इसे ढक देते हैं। अभी हम चावल को धो लेंगे। ये देखिए, हमने एक पाव में लिया है एक पाव चावल। ये अरवा चावल है, आप भी अरवा चावल ही लें। अभी हम चावल के माप के हिसाब से उसका 50% लेंगे। एक डब्बा में आधा पाव पास पास दाल। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। चलिए अब हमारा सब्जी को देखते हैं। ये देखिए, ये भी 80% पक गया है। इसको फिर एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चावल और दाल जिसको हमने धो लिया है। चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं। और ये हमने डाल दिया इसमें चावल और दाल, और इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लेते हैं। और ये देखिए, इसमें मिक्स हो गया हमारा चावल और दाल। हमें इसको ज़्यादा देर नहीं, कम से कम आधा घंटा के लिए ही पकाना है। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद चलिए अब इसे ढक देते हैं। मैं खोल के एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको ढक देना है, लेकिन ढकने से पहले इसमें हमें डालना है पानी, और पानी हमें डालना है अपने मेजरमेंट के हिसाब से, और हमने इसमें डाला है 2 ग्लास पानी। और अभी हम इसको ढक देंगे और इसको चेक करेंगे आधा घंटा बाद। आधा घंटा हो गया, चलिए अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए, हमारा खिचड़ी बन के रेडी हो गया है, और इसमें जितना भी पानी था सबको सोख लिया है और ये एकदम परफेक्ट बना है। अभी हम इसे सर्व करेंगे प्लेट में। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया बना है। आप इसको गर्मा गर्म खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी हम इसका ऊपर डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, और ये बन के रेडी हो गया हमारा खिचड़ी। दोस्तों, आज का ये मेरा खिचड़ी का रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में और एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।